तो ये पेड़ खट्टा बता रहे हैं और यही सबसे इतने फल होने की वजह से ये झुक गए हैं नीचे। अब वहाँ ये लोग ठेले बेचते हैं मार्केट में तो एकदम बिल्कुल लीची बाहर जाएगी एक्सपोर्ट करेंगे जी जी तो बिल्कुल महंगी बिकेगी। तो इसका मतलब ये एक एडवांटेज है कि अब ये राज सोकर इतनी सारी हम लोगों ने नीचे इकट्ठा कर ली है कुछ ज्यादा हो गई है। हाँ ये देखो ये में और टूटी फूटी तुम बीनते चलना ठीक है सर जी। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओटीटीवी और हम लोग आ गए एक नया व्लॉग लेके और हमारे साथ कौन है भाई आज? अबे इधर मुंडी करो यार। हाँ यार। सो यहाँ पे हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं अजहान और हम लोग जा रहे हैं आज स्पेशल ट्रिप के लिए। और वो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं लीची के बाग में। भाई देखो कितनी बड़ी बड़ी लीची लग रही है। सो वी जस्ट क्रॉस द ब्रिज अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ धुआं कर रखा है मच्छरों के लिए हमको लगता है तो ये मच्छर के लिए जुगाड़ है। मच्छर भाग जाएंगे पूरी बगिया के। तो ये पेड़ खट्टा बता रहे हैं और यही सबसे घना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लीची। तो ये मीठे पेड़ की भाई लीची ये देखने खाते ये हमारे सबके फेवरेट पेड़ है। वाह क्या बात है। एक दो पानी एक रुपये टॉफी आती ना लीची वाली वैसे लगता है। अब पानी तुम छीन ही नहीं पाओगे यार। कैसी है भाई साहब? उधर से दो तीन पेड़ लगे हैं उसमें मिठाई है। लाजवाब। अब वहाँ ये लोग ठेले बेचते हैं मार्केट में तो एकदम बिल्कुल लाल लाल पता नहीं क्या उसमें लगाया होता है वो होती ही लाल बाहर करने के लिए इनको रखा जाता है। देखो जैसे दो कैरेट रखी लाल कलर के लिए रखी गई। अच्छा तो इनको रखा जाता है जैसे आम के साथ होता है। गाली ना निकलो मुझसे हमारे अब खाते खाते भाई पेट फुल हो गया है। बस लाइए हमें लाइए एक बस ये राजा महाराज चलते कैसे कुछ चाय इसका एक्सपीरियंस हमारा रहा है नैनीताल में जब वहाँ लीची आड़ू पेड़ इसे जम लगे नाशपाती के। अच्छा ये देखिए कितना बिल्कुल जंगा झूल रहा है यहाँ पे। इतने फल होने की वजह से ये झुक गए हैं नीचे और ये फिर ऊंचे हो जाएंगे जब इसे लीची निकाल ली जाएंगी। ये देखिए कितने झुके हुए हैं मतलब कोई जानवर भी पा जाएगा ऐसे छोटा सा। पर यहाँ पे जो मतलब रहते हैं बहुत सख्ती से इसको देखते हैं क्योंकि यार ऐसे मौसमी फल होते हैं और इसकी बहुत ही प्रोटेक्शन बहुत कायदे से की जाती है। हम लोग पास स्पेशल अथॉरिटी है तभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो खिंचवर हो रही है और भाई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं रशि भाई फोटो खींच रहे हैं। अजान तुम्हें खिंचा लो पास में जाओ साथ में खिंचाओ। वाह सो ये बाग काफी बड़ी है आप वहाँ देख रहे हो उस कोने से लेके ये जा रही है सीधे 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 और यहाँ पे दिख भी नहीं रही है यार उस कोने तक है भाई। काफ़ी इसकी वृद्ध भी ज़्यादा है लंबाई भी ज़्यादा है मतलब और इस बार थोड़ा सीज़न कुछ कम ही रह गया यार इसमें लीचियाँ कम आई हैं इस बार। और ये हाल भाई फलों में आम के साथ भी है कि आम में भी इतनी फसल अच्छी नहीं आई है। दो दोस्त मेरे हैं जिन्होंने लिया हुआ है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अच्छे से फसल नहीं हुई आई आम की भी आम में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। और लीची जितनी भी उतनी भाई बिक जाती है अच्छे से। सोच में क्या खेलना। राशि भाई साहब लोकेशन ढूंढने अच्छी सी कहाँ से अच्छी फोटो खींचेगी। ओ भाई साहब भाई साहब ये स्टेटस पे पड़ेंगी वीडियो फोटोज और क्या
उधर दिखाइए ऊपर। अरे भाई पता नहीं होती, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये नेचुरल यहाँ लीची हो सकती है जी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही जमीन है जी, ना कोई खास खाद पानी की जरूरत है मतलब। पर अगर लीची यहाँ हो सकती है तो कहीं भी हो सकती है, मतलब अपने एरिया में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट लोग इतना सोचते नहीं है, नहीं सोचते नहीं थे पहले जी। पहले लीची बाहर से आती थी जी, लोग पर जगह नहीं होती, इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, देखिए इतनी बड़ी बाग नहीं होती, तो लोग वही पुरानी चीजों पे आम के बाग हैं जी जी, खेत खेत लगाना सब्जी वगैरह वही सब लगाते, लेकिन जिनका पैसा है ठीक ठाक ना। पर यहाँ से हम लोग लीची मतलब यहीं से मिल रही है, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं बाहर से जी जी। तो अगर अभी जैसे 80 रुपए किलो है जी जी, अगर बाहर से आ रही थी तो महंगी होती, बिल्कुल महंगी होती, 100 के ऊपर होती। अब ये लीची बाहर जाएगी एक्सपोर्ट करेंगे जी जी, तो बिल्कुल महंगी भी जाएगी। तो इसका मतलब ये एक एडवांटेज है कि अपने एरिया में जो फल होते हैं तो वो सस्ते में, तभी आम 20 रुपए किलो मिल जाते हैं आपको, अगर आप बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो वो महंगे होंगे। सब पत्तियों की खाद ही पर्याप्त है, देख रहे हैं इसमें खाद में डालते हैं लोग, बढ़िया हो रही है। ये नरम मिट्टी है एकदम, यहाँ पे देखे गीली गीली यहाँ पे लग रखी है, एकदम सूखी सी नहीं है, मॉइस्चर है इसके अंदर काफी, इसके मतलब बना भी रहता है क्योंकि धूप नहीं पड़ पाती ना ज्यादा। मतलब इसके लीची के पेड़ के लिए मतलब कौन सी सुटेबल सॉइल होती है और क्या नेचर होना चाहिए इसके? इसके लिए आप जानते हो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, ड्रेन पानी भरा नहीं होना चाहिए, जिसे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा नमी नहीं रखी है जी जी, इसकी सिंचाई जरूर नहीं रखी है जी, इसे बहुत ज्यादा सिंचाई जरूर नहीं पड़ेगी आपको, जैसे पहाड़ी इलाकों में होती तो पानी सर नीचे आ जाता है। हाँ, जैसे चाय के बागान होते हैं ड्रेन होते हैं, हालांकि वैसी पहाड़ी जगह नहीं है ये, लेकिन वेल ड्रेन का मतलब है पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें, मॉइस्चर बना रहना चाहिए इसमें। तो भाई हमारी ओएल में ही ये चीज पॉसिबल हो रखी है, और हम लोग भाई काफी ये चीज खा चुके हैं तोड़ तोड़ के, बैठ गया भर हमारा अब बल्क में लेते हैं और चलते निकलते हैं घर के लिए। भाई यहाँ पे एक फायदा हो रहा है, यहाँ पे लेने और खा भी बहुत है। ये भी एक पेड़ है जी, वो भी एक पेड़ है जी, लीची पक चुकी है, डिपेंड करता है बीज पर डिपेंड करता है। ये अच्छा लीची पक चुकी है, इस पेड़ में नहीं पका, पकी नहीं, देखे तैयार हो अभी तो बिल्कुल। हाँ देखिए वही समय भी लगी हुई, टाइम इतना भी इनको भी लगा पकने में, लेकिन नहीं बीज का डिफरेंस कितना है, बीज मतलब बीज सीड मतलब तैयार। अच्छा सीड, यहाँ बहुत से तरीके लगे हुए हैं ना, तरीके नहीं बीज, अलग अलग तरीके के बीज हैं, इसीलिए देखो समय फसल अलग टाइम पे आ। अच्छा ये इसमें तो अभी आए नहीं, अभी आए नहीं इसमें जी, हर एक पेड़ के अपनी इंडिविजुअल कवर्स होती है, स्पेशलिटी होती है, तरीके के बीज लगाए गए हैं। यहाँ पे पिछले सीजन में बहुत लगी थी, यहाँ पे भी आई हुई थी, पर इस सीजन में थोड़ा वही कह रहा ना, वैरायटी देखी होंगी आपने जी, जैसे ही पहला आता है कुछ आम लंगड़े बाद में आते रहते हैं, अगर एक साथ आ जाएंगे तो कहाँ पाएंगे, सफेद फजरी वगैरह सबसे लास्ट में आता है। चुसनाम कौन सा होता है? वो देसी होता है, देसी होता है वो, तो तुरंत ही आने लगता है जी। यहाँ पे क्या हो रखा है? एक लीची टूटी उसमें चली गई, देख रहे ये नेचर का यहाँ पे है, वाइल्ड वाइल्ड नेचर ये है, इधर देखिए ये अलग देखिए तरीका, नीचे फट रहा है इसका जो है। तो गाइस यहाँ पे आग जला दी गई है, पुराने की जो है पुरानी की देख रहे हो, ये मच्छर इससे भाग जाते हैं, बिल्कुल भाग जाएंगे जब इंसान भाग जाते हैं, बिल्कुल इस तरह हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, इसे मच्छर कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ पे भैया तोड़ रहे हैं हमारे लिए लीची स्पेशल, सो इनका लीची तोड़ने का एक तरीका भी होता है कि मतलब पेड़ का खराब ना हो। हमने पहले समझा था कि यहाँ कोई छत्ता शहद का लगा हुआ, उसीलिए आग जलाई जा रही है, उधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है। यहाँ पे देखिए गुच्छा इन्हें तोड़ दिया गया है। तो गाइस फाइनली हम लोग चल रहे हैं हाथ धोने के लिए, मेरे भी हाथ बहुत गंदे हैं। लेट्स गो, बेन वर्सेस वाइल्ड हो रहा है यहाँ पे, भागो। भाई अभी मैं गिरता गिरता मैं आराम से तो आराम से मैं बहुत पीछे रह गया। तो गाइस हम लोगों को नल मिल चुका है यहाँ पे भरी भरे जंगल में। हाँ आ जाओ यार मेरा, चलो क्या बात है, क्या बात है भाई, हम लोग पहले फुल नेचर के मजे लेते हुए ये। हाँ हाँ नहा भी लो यहाँ पे, मुँह पे लीजिए क्या रख लो। सोखा जितनी सारी हम लोगों ने नीचे इकट्ठा कर ली है कुछ ज्यादा हो गई है भाई, ये देखो ये में टूटी फूटी, तुम बीनते चलना ठीक है। इस स्पेशल व्लॉग की एंडिंग हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम लोग का मिशन कंप्लीट हो गया है, और हम लोग इतनी सारी लीची घर ले जा रहे हैं। अरे रुपए तो दिए नहीं।